सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों यहां पर मैं कर रहा हूं मैसिव स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन, चार ऐसे डिवाइसेस जो इस रेंज में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो यहां लेफ्ट टू राइट है मेरे पास ऑनर 7X, लिनोवो के 8 नोट, शाओमी एमआई A1 और मोटो G5S+। चारों ही डिवाइसेस हॉट सेलिंग डिवाइसेस हैं 10,000 से 20,000 रुपए की रेंज में। यहां पर सबसे पहले ऑनर 7X के प्राइस के बारे में बात करते हैं। 4GB और 32GB वाला वेरिएंट है वो पड़ता है 13,000 का, और 4GB 64GB वाला वेरिएंट है वो पड़ता है 16,000 रुपए का। लिनोवो के 8 नोट में 3GB रैम और 32GB वाला वेरिएंट है वो 12,000 रुपए का है, और 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट 13,000 रुपए का है। MI A1 का एक ही वेरिएंट आता है 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, वो पड़ जाता है 14,000 रुपए का। और मोटो G5S+ का 4GB रैम और 64GB वाला जो वेरिएंट है वो पड़ता है 16,000 रुपए का। तो ये था प्राइस के पर्सपेक्टिव में चारों फोन्स में डिफरेंस। सो राइट दोस्तों, अब बात करते हैं इन चारों फोन्स के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में। सो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के एस्पेक्ट में सबसे पहले बात करते हैं इनमें लगे प्रोसेसर की। तो Honor 7X में लगा है हाई सिलिकन किरिन 659 और ग्राफिक सपोर्ट मिलता है माली T830 से। 2.36 GHz की मैक्सिमम क्लॉक्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है, 64 बिट का प्रोसेसर है और 4GB की रैम है। बात करें लिनोवो के 8 नोट में मीडिया टेक का MT6797D प्रोसेसर लगाया गया है और ये आता है ग्राफिक सपोर्ट माली T880 के साथ। ये एक डेका कोर प्रोसेसर है और 2.3 GHz की मैक्सिमम क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी मिलती है यहां पर। बात करें MI A1 की, तो MI A1 में यहां पर आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625, सेम प्रोसेसर आपको यहां मिलेगा, एड्रीनो 506 की GPU सपोर्ट, 2 GHz की मैक्सिमम क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी मिलती है और 64 बिट के प्रोसेसर हैं, और दोनों फोन्स में ही 4GB की रैम है और यहां भी आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बात करते हैं चारों के डिस्प्ले की। तो सबसे अच्छा डिस्प्ले मुझे इसका लगता है, यहां पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, IPS LCD डिस्प्ले है चारों में ही। और अगर मैं बात करूं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन की, तो चारों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, क्लास 3 प्रोटेक्शन मिलती है यहां पर। साइज के बारे में बात करें 5.93 इंच है इसमें, और बाकी तीनों फोन्स में 5.5 इंच की स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080x2160 और बाकी में मिलती है 1080x1920। सो ये था दोस्तों बेसिक कंपैरिजन चारों फोन्स के बीच में। स्पीड टेस्ट का 2 राउंड परफॉर्म करेंगे परफॉर्मेंस के, जहां पर हम सारे एप्स को लोड करेंगे और क्लॉक में टेस्ट करेंगे कि कितने देर में सारे फोन्स में ये सारी एप्स लोड होती हैं, और उसके बाद रैम मैनेजमेंट का राउंड परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि दोबारा से जब इन एप्स को लोड किया जाता है तो कितने टाइम में ये एप्स लोड होती हैं। तो उससे पहले यहां पर हम जरा नजर डालते हैं इन चारों फोन्स के गीक बेंच स्कोर्स की। तो गीक बेंच 4 स्कोर्स कुछ इस तरीके से हैं, यहां पर है 914, 1224, 881 एंड 841 सिंगल कोर स्कोर्स, एंड 3469, 4610, 4302, 4315 मल्टी कोर स्कोर्स। तो जो स्कोर्स हैं सबसे बेटर तो यहां पर लिनोवो के 8 नोट की आती हैं। और चेक करें अगर N22 बेंचमार्क स्कोर्स को, N22 बेंचमार्क स्कोर्स यहां पर आप देख सकते हैं चारों फोन्स की, 62,652 ऑनर 7X, 89,222 लिनोवो के 8 नोट, 63,349 MI A1 एंड 64,030 मोटो G5S+ की। सो ये थे दोस्तों चारों फोन्स के स्कोर्स। अब जहां पर हम परफॉर्म करते हैं स्पीड टेस्ट का राउंड। सो फेयर रखने के लिए इस टेस्ट को चारों फोन्स को ही एयरप्लेन मोड में डाला गया है, एंड सिर्फ वाईफाई से कनेक्टेड हैं ये, और सेम वाईफाई से कनेक्टेड हैं, और एक टाइम पे हम एक ही फोन में टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
So, यहाँ पर दोस्तों Honor 7X ने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट किया है 2:48 में। चलते हैं Lenovo K8 Note की तरफ। So, Lenovo K8 Note ने इस राउंड को खत्म किया है 2:30 में। चलते हैं Xiaomi Mi A1 की तरफ। Xiaomi Mi A1 ने इस राउंड को कंप्लीट किया है 3:08 में। यहां पर जो एक ऐप जिसने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया मुझे लगता है वो थी Google Chrome, जहां पर वेबसाइट लोड होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया है। लास्ट चलते हैं Moto G5 S Plus पे। Moto G5 S Plus ने भी इस राउंड को कंप्लीट किया है 2:30 में। जी हाँ दोस्तों, चारों फोन्स के पहले राउंड के टाइमिंग्स हमारे पास यहां पर आ चुके हैं। जो फर्स्ट राउंड ऑफ परफॉर्मेंस राउंड है उसको इसने कंप्लीट किया है 2:48 में, 2.5 मिनट में यहां पर, 3:08 में यहां पर और 2.5 मिनट में यहां पर। सो Lenovo K8 Note और Moto G5 Plus अभी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है इस राउंड में। चलते हैं रैम मैनेजमेंट राउंड की तरफ और फिर से चेक करते हैं कि चारों फोन्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं यहां। यहां पर दोस्तों रैम मैनेजमेंट राउंड खत्म किया है Huawei Honor 7X ने 1:38 में। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं Lenovo K8 Note। तो यहां पर दोस्तों Lenovo K8 Note ने जो सेकंड राउंड है रैम मैनेजमेंट का उसको कंप्लीट किया है 1:53 में। नेक्स्ट ट्राई करते हैं Xiaomi Mi A1 से। We'll be right back.
So, यहां पर Xiaomi MIA1 ने इस राउंड को कंप्लीट किया है 2 मिनट 16 सेकंड में। एंड लास्ट ट्राई करते हैं Moto G5S Plus पर। तो यहां पर Moto G5S Plus ने इस राउंड को कंप्लीट किया है 2 मिनट 25 सेकंड में। सो राइट दोस्तों, यहां पर हमने देखा है परफॉर्मेंस जो सामने हमारे आई है। सो मेरे हिसाब से Honor 7X ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है रैम मैनेजमेंट राउंड में। 1 मिनट 38 सेकंड में एप्स को दोबारा से लोड किया है। और यहाँ पर Xiaomi MIA1 ने थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं दिया है एज कम्पेयर टू दी अदर फोन्स। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है Honor 7X का। हालांकि ऐप लोडिंग में 2 मिनट 30 सेकंड में इन दोनों ने कंप्लीट किया था और 2:48 लगे थे यहाँ पे, बट स्टिल रैम मैनेजमेंट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो Honor 7X और Lenovo K8 Note एकदम सेम लेवल पे है परफॉर्मेंस के इस राउंड इस स्पीड टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पर आता है Moto G5S Plus और उसके बाद MIA1। सो ये था दोस्तों स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन 4 डिवाइसेस के बीच, Honor 7X, Lenovo K8 Note, MIA1 एंड Moto G5S Plus। बताएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिए एंड मेरे चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में जरूर मदद करिए मेरी। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा मेरे चैनल से। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।